काफी लोग इंस्टाग्राम पर बिल्कुल नए होते हैं जिन्हें इंस्टाग्राम क्विज वाली स्टोरी लगाना नहीं आता, सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इंस्टाग्राम क्विज वाली स्टोरी लगा सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखना इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई थिंक डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम क्विज वाली स्टोरी कैसे लगानी है ये बताने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ, आपको मालूम भी होना चाहिए इसका बेनिफिट क्या है। इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है आपकी प्रोफाइल की ग्रोथ में। अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करवाना चाहते हैं देन इस तरीके की स्टोरी आपको जरूर लगानी चाहिए। जब भी आप क्विज वाली स्टोरी लगाते हो देन जो भी आपकी ऑडियंस होती है, जो भी आपके फॉलोअर्स होते हैं वो उस पर इंटरेक्ट करते हैं, जो भी आपने ऑप्शन दिए होते हैं उस पर वो क्लिक करते हैं। जैसे वो क्लिक करते हैं वो आपकी प्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट करने से वो क्या रहा है, जब भी आप कोई न्यू पोस्ट डालोगे या न्यू स्टोरी डालोगे देन आपकी प्रेफरेंस बाकियों से पहले होगी। मतलब जो भी आप कंटेंट डालोगे आपका कंटेंट आपके ऑडियंस तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। मतलब जो भी एंगेजमेंट है, जो भी रीच है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी आपके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग। सो इसलिए आपको इस तरीके की स्टोरी जरूर लगानी चाहिए। अगर आप क्विज वाली स्टोरी नहीं लगा रहे हैं देन आपको लगाने की जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इंस्टाग्राम क्विज वाली स्टोरी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस अकाउंट पर क्विज वाली स्टोरी लगाना चाहते हैं देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर आ जाना है। प्रोफाइल पर आने के बाद आपको टॉप लेफ्ट साइड पर योर स्टोरी का ऑप्शन दिखेगा, आपने यहाँ पर जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपने कुछ फोटोज को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर क्विज। सो क्विज स्टोरी के लिए मैंने एक कंसेप्ट सोचा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फोटो डाउनलोड करके ऑलरेडी रखी हुई है। सो आपने क्या करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। फोटो को लाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करूंगा इस तरीके से। अब आपको क्विज वाली स्टोरी लगाने के लिए इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्विज, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे अब आपको अपने फोटो के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्विज क्वेश्चन पूछना है। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द एज ऑफ सलमान, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आप चाहे तो तीन ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 51, 55। तो ये ग्रीन कलर का जो साइन आ रहा है वो राइट आंसर है। सो आपको ये चूज करना है आपने कौन से ऑप्शन को राइट आंसर चूज किया हुआ है ताकि ये ग्रीन दिखे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि 51 को हम राइट आंसर बनाएं तो यहाँ पर आपने 51 पर क्लिक कर देना है, कुछ इस तरीके से ये ग्रीन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, डन पर क्लिक कर देना है। अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप इसे कहीं पर भी इस तरीके से ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पर आपने योर स्टोरी पर क्लिक कर देना है, आपकी स्टोरी कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर कोई राइट आंसर चूज करता है देन इस तरीके से ग्रीन हो जाएगा और इस तरीके से बबल्स फूटेंगे, और अगर कोई रॉन्ग आंसर को सिलेक्ट करता है देन क्रॉस आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आप क्लिक करोगे एक्टिविटी पर देन यहाँ पर आपको पूरा रिजल्ट बताएगा कितने लोगों ने आपकी स्टोरी पर क्लिक किया है एंड कितने लोगों ने राइट आंसर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन आंसर जो है वो राइट आंसर है, अभी एक ही पर्सन ने आंसर दिया है एंड वो बिल्कुल राइट दिया जो अभी हमने क्लिक किया। एंड यहाँ पर अगर और लोग क्लिक करेंगे अगर उनका आंसर गलत आता है देन नीचे वाले ऑप्शन में उनकी क्वांटिटी आ जाएगी। सो कुछ इस तरीके से आप इजीली क्विज वाली स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। गलत बात है, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखो इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पर बिल्कुल नए हो और बिल्कुल जीरो से इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना चाहते हो देन इस वीडियो को जरूर देख लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड स्टे ट्यून्ड।